खबर चंदौली जनपद से है, जहां शनिवार की दोपहर धान क्रय केंद्रों को बंद होने से खफा सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू तथा सपा जिला अध्यक्ष सत्यनारायण राजभर की अगुवाई में सैकड़ों सपाई शनिवार को जिला विपणन कार्यालय पहुंचे। वहां कार्यालय पर विभागीय अधिकारी के गैर हाजिरी रहने पर गुस्साए सपाइयों ने उनके कार्यालय में धान की बोरियां खोलकर अनाज को छोड़ दिया और अपना विरोध जताया और फोन से बातचीत कर बंद हुए क्रय केंद्रों को खोले जाने को लेकर सवाल को दोहराते हुए कहा कि 24 घंटे में जिला प्रशासन ने निर्णय नहीं लिया तो सोमवार को मंडी समिति के गेट पर किसानों का जत्था लेकर पहुंचने का काम होगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की नीति व नियत ठीक नहीं है। किसानों के ऊपर की खरीद को लेकर लगातार दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ रहा है, जिससे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अगर जिला प्रशासन किसानों की बात नहीं सुनता है तो सपा उसके साथ मिलकर आगे अग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। चंदौली से कार्तिकेय पांडे की रिपोर्ट। भारी संख्या में विपणन कार्यालय पर पहुंचे हैं, क्या मामला है? देखिए, आज 3 दिन से चल रहे हैं हम लोग और ये धान खरीदी को लेकर जिला में बहुत गोलमाल हो रहा है और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये गोलमाल ये लोग बंद करें। यहां से वहां क्रय केंद्र खोलने के नाम पर किसानों को परेशान कर रहे हैं, किसान औने पौने दाम में धान को बेचने पर मजबूर हो रहे हैं और ये लोग सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रहे हैं। डीएम से लेकर नीचे के जितने कार्यकर्ता हैं वो लोग समझ में नहीं आ रहा है कि कर क्या रहे हैं। विधायक अलग परेशान है, डीएम साहब अलग परेशान है, विपणन अधिकारी का पता ही नहीं है, कार्यालय में कोई रहता ही नहीं है। आज 11 बजे आने का यहाँ पे बात थी, फिर भी देखिए कोई अधिकारी यहाँ पर है ही नहीं। क्या रणनीति रहेगी आगे, क्या ठोस कदम उठाएंगे? अभी हम बात करते हैं, अगर सुनवाई नहीं होगी तो एक बड़ा आंदोलन होने का काम होगा।